आप जब भी किसी एक्टिविटी बेस्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ वो एक्टिविटी करना नहीं होता, बल्कि उस कम्युनिटी में मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ उठना बैठना, गपशप करना भी होता है। ये है जी हसीब बेग, ऑल्सो नोन एज कमांडर साहब। इस वीडियो में इनका जिक्र करने का मकसद ये है कि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट, स्किल या क्वालिटी ज़रूर होती है और हमें उससे कुछ ना कुछ लाजमी सीखना चाहिए। इसी तरह इस साइकिलिंग कम्युनिटी के अंदर हम लोग बहुत सारे डायनामिक और इंटरेस्टिंग लोगों से मिले हैं और उसमें से एक हैं जी ये हसीब बेग साहब। लेकिन कमांडर साहब की एक बड़ी यूनिक क्वालिटी है जो कि लोगों में तकरीबन नापैद हो चुकी है या मिलती ही नहीं है आजकल के ज़माने में, और इस यूनिक स्किल या क्वालिटी का नाम है जी कम्युनिकेशन। लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, उनके साथ रेजोनेट करना। चाहे वो कोई 5-7 साल का बच्चा हो या कोई बुज़ुर्ग है या कोई खातून है या आपका ज़िंदगी की किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ है, कमांडर साहब उसके साथ इस तरीके के साथ घुल मिल जाते हैं जैसे वो उसको बरसों से जानते हों। दूसरी कमाल क्वालिटी कमांडर साहब की ये है कि वो ज़िंदगी का हर लम्हा भरपूर अंदाज में इंजॉय करते हैं। He lives every moment to the fullest. यहां कल क्या हो किसने जाना, ये भी उनका फेवरेट गाना है। तीसरी कमाल क्वालिटी उनकी ये है कि ही लिव्स अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। उसमें वो साइकिलिंग भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, टेनिस भी खेलते हैं। इसके अलावा उनको जब भी मौका मिलता है किसी भी किस्म की एक्टिविटी का, वो हमेशा उसमें हिस्सा लेते हैं। और जो कॉमन इंटरेस्ट मेरा और कमांडर साहब का है, बल्कि उसको इंटरेस्ट नहीं कहना चाहिए, जुनून या इश्क कहना चाहिए, वो है जी ट्रैवल, नेचर एंड आउटडोर्स का। और लाइफ में आप जब भी किसी शख्स के साथ अपने कॉमन इंटरेस्ट की वजह से मिलते हैं तो वो एक बड़ा कमाल बॉन्ड बनता है। उस कॉमन इंटरेस्ट या हॉबी की वजह से आपका जो एक रिलेशनशिप बनता है, एक जो ताल्लुक बनता है, उसको आप बड़े अरसे तक याद रखते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं सही मायनों में। इस वीडियो के अंदर ये तमाम बातें करने का मकसद ये है कि बाय इंटरेक्शन विद अदर पीपल एंड शेयरिंग आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस, हम इस एक्टिविटी को और भी ज़्यादा इनरिच कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट।